यार एक तो ये बॉस है ना, बिना बोले तो काम दे देते हैं, और कभी भी, आज छुट्टी का दिन है वो भी वेस्ट करवा दिया मेरा। यार मैं ये कैसे करूंगी, और कॉल्स पर कॉल्स भी किए जा रहे हैं। हाँ जी सर। बेटा प्रिया। कौन? बेटा मैं शर्मा अंकल बात कर रहा हूँ। शर्मा अंकल कौन? बेटा तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। परिवार में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। बेटा मुझे ना किसी से पैसे लेने थे, और उसके पास कैश है नहीं, तो उसने पूछा क्या मैं ATM यूज करता हूँ। मैं तो यूज करता नहीं हूँ, क्या तुम्हारे पास है क्या? तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूँ, तुम्हारे अकाउंट में 40,000 रुपए आ जाएंगे, उनमें से तुम सिर्फ मुझे 35,000 दे देना, 5,000 तुम अपने पास रखना। मैं कल तुम्हारे घर भी आऊंगा पापा से मिलने, तभी तुमसे मैं कैश ले लूंगा। अच्छा आप इतना सोच ही रहे हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी। अच्छा बेटा अभी तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को तुम खोलोगे तो एक लिंक बना हुआ आएगा। जी अंकल। उस लिंक को जैसे ही खोलोगे ना। जी अंकल। वहाँ पर अपने UPI ऐप का OTP डाल देना, तुरंत तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके अंकल, क्या बात है यार, आज तो लॉटरी लग गई। कब करेंगे अंकल फोन, कब OTP सेंड करेंगे? अंकल का फोन आ गया। हाँ जी अंकल। बेटा देखो तुम्हारे नंबर पर OTP आया होगा। जी अभी चेक करती हूँ। नहीं अंकल अभी तक कोई OTP नहीं आया। अरे ध्यान से देखो, इसी नंबर पर OTP आया होगा। नहीं आया अंकल। हाँ हाँ मैंने अभी OTP सेंड किया है। आप मेरी नंबर पर सेंड कर रहे हो ना? हाँ बेटा इसी पर कर रहे हैं हम। पक्का ना? बेटा तुम दोबारा करके देखो, हो जाएगा। अरे अरे अंकल आ गया OTP, मगर इसमें OTP ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। अरे कैसे काम नहीं कर रहा, मैंने जस्ट अभी भेजा है। नहीं अंकल नहीं हो रहा है। अंकल एक काम करो, मेरी साइड से तो नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, आप कुछ पैसे ट्रांसफर करो, शायद हो सकता है आप गलत अकाउंट में कर रहे हो। रुको मैं भेजता हूँ। अंकल हो ही नहीं रहा, देखो मैं ट्राई भी कर रही हूँ। आ गए बेटा पैसे? हाँ जी अंकल आ गए पैसे। लेकिन तुम्हारा ATM तो काम कर रहा है, वरना पैसे कैसे आए? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो अंकल मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं, जब आपका फोन आया था मैं तभी समझ गई थी कि आप एक स्कैमर हो। अपने आप को ज्यादा चालाक मत बन, तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है। पागल समझ रखा है क्या मुझे, और लोगों की तरह मुझे लूटना चाहते हो? और वैसे भी जो ये पैसे आपने मुझे ट्रांसफर किए हैं वो भी किसी से लूटे ही होंगे, तो ये पैसे मैं गरीबों में ही दान कर दूंगी, समझे? तेरे सारे बैंक अकाउंट हैक कर लूंगा मैं, और जितने पैसे है ना सब निकाल दूंगा। RBI है ना, अगर तूने कुछ भी इलीगल ट्रांजैक्शन किया तो मैं 72 आवर्स के अंदर कॉल कर सकती हूँ, कंप्लेंट डाल सकती हूँ, और मेरा रिफंड वापस आ जाएगा। याद रखना छोड़ूंगा नहीं। दफा आ जाओ अब यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, समझे? और ये नंबर भी ना मैं तुम्हारा पुलिस को दे रही हूँ। तेरे को नंबर जहाँ देना है वहाँ दे, टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट मैंने नहीं, तूने मेरा किया है। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। आया बड़ा स्कैमर कहीं का। RBI है ना, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा स्कैम होता है या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि आपने नहीं किया, तो आप 72 घंटों के अंदर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और आपका सारा पैसा आपको मिलेगा वापस थ्रू RBI। तो इस वीडियो को जरूर आप आगे शेयर करना, ना जाने कितनी लोगों के पैसे आप ऐसे ही डूबने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।